2020 के मार्च में इंदौर में कोरोना ने दस्तक दे दी थी। प्रधानमंत्री ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था और गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन फ्री दिया गया, लेकिन खुराफातियों ने उसमें भी हेराफेरी करना शुरू कर दी थी, जिस पर प्रशासन ने सख्ती से कार्यवाही की। कोरोना काल से ही प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए योजना के माध्यम से गरीबों को फ्री में राशन देना शुरू कर दिया था, लेकिन अब कुछ लोगों ने यहां भी हेराफेरी करने से बाज नहीं आए। ऐसा ही एक राशन माफिया पर महू में प्रशासन ने सख्त कार्यवाही की थी। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कड़े निर्देश दिए हैं कि शहर में कहीं भी इस तरह की शिकायत मिलती है तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाए। ADM अभय बेडेकर ने बताया कि ऐसी कुछ दुकानों को सीज किया गया है और जाँच चल रही है, दोषी पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। पिछले मार्च अप्रैल से जब से लॉकडाउन लागू हुआ था तब से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में गरीबों के लिए करीब 9 महीने तक राशन आया है और राशन मुफ्त भी आया है। तो कई जगहों से ऐसी शिकायतें मुझे भी मिल रही थी और कलेक्टर साहब को भी मिली हैं। तो जैसा शिकायतें आ रही थी कि गरीबों का राशन जो है कुछ लोग हेराफेरी कर रहे हैं उसमें और उन तक प्रॉपर राशन नहीं पहुँच रहा है, तो हमें जिन बहुत सारी दुकानें जिन पर हमको थोड़ी शंका थी उन दुकानों की हमने कल सीलिंग करी है, उन दुकानों का रिकॉर्ड लिया है और उनकी जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में कुछ चीज़ें मिली हैं, अभी जांच चल रही है इसलिए अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, परंतु कोशिश ये रहेगी हमारी जिला प्रशासन की तरफ से कि हम इस टाइप का कोई भी माफिया, जिस तरह की महू में एक माफिया पकड़ा गया था उस टाइप कोई माफिया यहाँ पनप न पाए, और अगर कोई इस टाइप की कोशिश कर रहा हो हेराफेरी राशन की तो उसे प्रारंभ में ही हम लोग नेल कर दें, बंद कर दें। तो कलेक्टर महोदय इसमें बहुत ज़्यादा सख्ती रुख अपनाए हुए हैं और हम लोग भी उनके मार्गदर्शन में जिस हिसाब से वो चाहते हैं उस हिसाब से कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं।